जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे सिर्फ 3-4 लेडीज ही वीडियो में है। प्लीज सब अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, अच्छा लगेगा देखने में क्योंकि हम सब लेडीज है यहाँ पे और मुझे पता है कि सब बहुत ब्यूटीफुल है। अपना चेहरा मत छुपाइए, प्लीज सब हम लोग वीडियो में आ जाते हैं ताकि हमारे जो स्पीकर है उनको भी जोश आएगा और हम लोगों को भी जबरदस्त जोश आएगा। तो प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू। यस मैम। ओके, तो जब ये बिजनेस हमारे घर में आया तब मैं ओडिशा एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब कर रही थी, एज ए टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ जॉब कर रही थी। मेरा फर्स्ट क्लास था मैथमेटिक्स ऑनर्स में और उसके बाद डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन की थी, उसके बाद मैं डिग्री भी कर रही थी। तब उस वक्त बिजनेस हमारे घर में आया था और तब हमने बिजनेस को कुछ भी नहीं जाना था, प्रोडक्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, कैसे बिजनेस चलता है, हमने कुछ भी नहीं जाना था। लेकिन मेरे हस्बैंड का राखेल किशोर महंत, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग दीजिए, उनके ऊपर पूरा भरोसा था क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे थे वो उनके सीनियर मेट थे। पढ़ाई में राखेल भैया तो बहुत माने तेज थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उनका कैरियर में उनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था इंजीनियरिंग कैरियर में, उसके बाद भी वो एसएफसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में जीएम थे। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब एनालिसिस करने का कोई जरूरत नहीं, जो करना है वो राखेल भैया कर चुके हैं, तो इसीलिए वो राखेल भैया कर रहे मतलब वो बिजनेस में एंट्री कर लिए। लेकिन मेरा इतना मन नहीं था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, मेरे को लगता था मैं भी एमटेक करूं, पीएचडी करूं और प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी बनूं, ये मेरा एकेडमिक कैरियर में मन था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोले नहीं, तुम इतना पढ़ना चाहती हो, थोड़ा इधर जो किताब राखेल भैया दे रहे ना उसको पढ़ो, तुम जो जिंदगी चाह रहे हो वो मिल जाएगा। तो मेरा मन नहीं होते हुए भी, जैसे कि ये अच्छा दोस्त के अच्छा भैया के धर्म निभाए, मैं भी अच्छा पत्नी के धर्म निभाई और उसके पीछे चली और वही सच हुआ। ऐसे एसोसिएशन में आए और प्रोडक्ट यूज करने लगे, तो ये बिजनेस को करने लगे और ऐसा ही हुआ जो मेरे को चाहिए था, क्वालिटी टाइम मेरे फैमिली के लिए। 2017 नवंबर से आई कुड एबल टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम थ्रू दिस बिजनेस फॉर माय फैमिली एंड आई कुड एबल टू क्विट माय जॉब एंड नाउ आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस एज ए करियर पैशनेटली, ऑल्सो आई एम गिविंग क्वालिटी टू टाइम टू फॉर माई फैमिली। सो आज जितने सारे लेडी एंटरप्रेनर्स प्रेजेंट ओवर हियर सबके लिए मैं वेलकम करना चाहती हूँ और जितने सारे नया है सबको भी वेलकम करना चाहती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर एंड तक बने रहिए, जैसे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन लाया है, चेंज लाया है और हमको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक लेके जा रहा है, वैसे ही जिंदगी आपके लिए भी हो सकता है। सो अगेन गिव ए बिग हैंड टू टुडेज ऑल द न्यू कमर्स जॉइन ओवर हियर। सो ये बिजनेस को मैं शेयर करने से पहले मैं ऐसा बताऊंगी कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हूँ ये सबके लिए है, ये यंग एज टीनेजर गर्ल्स के लिए है, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना खत्म कर लिया जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी है, जो जॉब कर चुके हैं उनके लिए है, जो जॉब कर रहे थे फैमिली की वजह से जॉब छोड़ दिए उनके लिए भी है, और मिडिल एज लेडीज के लिए भी है, जो पढ़ा लिखा उसके लिए है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए, जो पैसा वाला है उसके लिए, जो नहीं पैसा वाला भी उसके लिए, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट है। इसका अंदर हर किसी के लिए एक रीजन ढूंढा है, छुपा हुआ है। तो शायद इस कॉन्सेप्ट के अंदर शायद इसको भी आपको मालूम हो जाएगा और आपको रीजन मिलेगा कि हम क्यों ये बिजनेस को करेंगे। जैसे कि आपको किसी ने बुलाया है तो आप बोले क्यों हम इधर बैठना है, क्यों बैठना है, हर किस कुछ का पीछे क्यों होता है, तो क्यों हम पहले ढूंढेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट माय होस्ट टू शेयर माय स्क्रीन। अरिना मैम आप ऑलरेडी को होस्ट है। अच्छा ठीक है, आई कैन शेयर नाउ। थोड़ा दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके, ओके ओके। ओहो अभी फुल स्क्रीन हुआ? यस मैम,
ओके 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 फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम ईच एंड एवरीवन टू दिस टुडेज यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस तो कह सकते थे लेकिन यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका. ये आपको एक मौका देता है जो जिंदगी में शायद आप कुछ खो चुके हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, उसको देने के लिए एक मौका है. इसीलिए हम उसको बोलते हैं यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी. जैसे मैंने बोली कि क्यों क्यों चाहिए मेरे को. कोई सोचेगा कि मेरे हस्बैंड तो बहुत जॉब अच्छा जॉब कर रहे हैं, मैं क्यों करूं. कोई बोलेगा मेरा बहुत अच्छा जॉब है, मैं क्यों करूं. तो ऐसा करके आपका व्हाई पहले ढूंढिए. व्हाई जैसे कि मैंने बिजनेस में आई तब तो मेरा व्हाई इतना क्लियर नहीं था, लेकिन ये एसोसिएशन का आने के बाद और इधर सक्सेसफुल लोगों को देखने के बाद मेरा व्हाई क्लियर हुआ. तो इस जो कितने सालों का बिजनेस का जो अनुभव है, ये बिजनेस से आपको क्या मिल सकता है, ये पहले मैं आपको बताऊंगी. शायद आपको उसी में कुछ जरूरत होगा. तो लेट मी शेयर व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ये बिजनेस करने से क्या आपको मिल सकता है. जैसे कि पहला चीज है पैसा. जिंदगी का एक पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मनी, जो हमारे लाइफ को गवर्न करता है. आप तो पैसा कमा रहे, दैट्स ओके. ये आपको एक्स्ट्रा मनी भी दे सकता है. तो मनी आने से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को अच्छा स्कूल में भेज सकते हैं. अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा स्कूल में देना चाहते हैं, अच्छा ट्यूटर देना चाहते हैं, तो अच्छा स्कूल में भेज सकते हैं. और मन चाहे शॉपिंग कर सकते हैं. लेडीज लोगों का होता है ना शॉपिंग करना, और जब एक दुकान में जाते हैं उसका आंख दूसरे तीसरे तरफ ढूंढता है, और जब बोलते क्या एक चीज के लिए आप आए हो, इधर इधर क्यों देखते हो. तो लेकिन हमारा मन होता है बहुत ढेर सारे शॉपिंग करना. कोई हमको ना पूछे रेट क्या है, कितना लेके आया, कितना खर्चा हो, कोई पूछने वाला नहीं हो, वो हमको अच्छा लगता है. मन चाहे हम शॉपिंग कर सकते हैं. और सबका तो लेडीज लोग अच्छा घर एक बढ़िया सा ड्रीम होता है, और अच्छा घर के बाद हमारा बढ़िया सा गाड़ी हो शेयर करने के लिए, ये भी हमारे ड्रीम है. ये जितने सारे ड्रीम है ना, वह हम पैसे से खरीद कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेंजिबल नीड्स. ये सब टेंजिबल नीड्स है. और बहुत सारे चीज भी हम पैसे से खरीद करना चाहते हैं जो हमको ये बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम के जरिए हमको दे सकता है. दूसरा है पहलू है हमारा टाइम. पैसे के साथ टाइम मिल जाए तो वो पूरा सुनहरा चीज हो जाता है. क्योंकि सबके पास पैसा होता है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं रहता है उसको एंजॉय करने के लिए. और पैसा और टाइम दोनों चीजें इकट्ठा मिल जाए तो लाइफ और बहुत सुंदर हो सकता है. तो क्या हमको मिल सकता है, जैसे कि क्वालिटी टाइम विद फैमिली. जैसे कि हमने पैसा इस बिजनेस के जरिए हमको पैसा आने लगा, तब हमने जब क्विट कर दिया, जो 8 घंटा 10 घंटा हम जाके ऑफिस में दूसरे के लिए काम कर रहे थे, वो काम खुद के लिए अभी कर रहे हैं और फैमिली को अच्छा टाइम दे रहे हैं. और मैं तो बहुत एंजॉय किया. पहले पहले सब लोग इकट्ठे बैठ के हम बातचीत करके गरम गरम खाना खाए, क्योंकि ये पूरा 25-26 साल हमारे जिंदगी में नहीं था. और मेरा मम्मी है, उसके पास बैठती हूँ, उसके साथ चाय पीती हूँ. और सब मिलके कभी जाना है तो दिन में जो जितने सारे पार्टियां होता था मैं नहीं जाती थी, तो अभी मिलके जा रहे हैं. वो एक फीलिंग का बिजनेस है. ये फील करना है. टाइम होने से, पैसा होने से हम कैसे लाइफ को लीड कर सकते हैं. और दूसरा साइड आपने एक फोटो दिखा होगा कि एक मम्मी और बेटी, जब हमने छोटे थे वो हम हमारा अंगुली पकड़ के लेके चलते जा रहे थे. अभी उसका उम्र हो गया पापा मम्मी का, अभी उसको पैसा वगैरह उसका जरूरत है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको हमको सहारा का जरूरत है, हमको समय का जरूरत है, उसके बैठने का, बात करने का, उसका फीलिंग को समझने का चीज है. ये पैसे से आप खरीद नहीं कर सकते. इस कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे फैमिली है जिसके बच्चे लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, वो कितना पापा मम्मी को इधर कुछ हो गया कितना तड़प रहे थे, आप न्यूज में सब सुना होगा. तो पैसे के साथ टाइम होने से ये सब चीज भी हम कर सकते हैं. और नीचे आपको दिखाई देते हैं हॉबीज. अभी यंग जनरेशन का लोग सब कोई चाहते हैं ठीक है हम पैसा कमाएंगे, लेकिन उसके साथ हम हॉबीज को भी परस्यू करेंगे. कोई बोलता है कि मैं गाना गाऊं,
कोई बोलता है कि मैं स्टोरी लिखूं, कोई बोलता है कि मैं आर्ट करूं, कोई बोलता है मैं माउंटेनिंग करूं, कोई बोलता है मैं साइकिलिंग करूं, कोई बोलता है मैं पिक्चर करूं, आर्ट भी करूं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ये सब हॉबी को परस्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जिंदगी में पैसा एक अहम भूमिका हो जाता है कि हम पहले उसको कमाने लगते हैं। तो इस बिजनेस में हमने देखा है बहुत सारे यंग वाइजन ज्वाइन किए हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं और खुद का जो पैशन है उसको परस्यू कर रहे हैं। कोई बड़ा सा मोटरसाइकिल में ड्राइव करता है, माउंटेनिंग में जाता है, बहुत। तो ये आपको मौका देगा पैसा के साथ टाइम, और आप आपका हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा मन होता है कि घूमने का, ये इंडिया में घूमने का नहीं, बाहर घूमने का। हम तो हमारा जितना कमाई होता है इस इंडिया में घूम सकते हैं, थोड़ा आसपास का एशियन कंट्री में घूम सकते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री जाना वो थोड़ा मुनामुकुम हो जाता है, थोड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। और नहीं तो कोई कोई होता है कि माने बच्चे लोग अमेरिका में होते हैं, वो कुछ दिन के लिए उधर चले जाता है, और बच्चा जब होता है तब जाते हैं, तब घूमना फिरना हो जाता है। लेकिन इधर आप सक्सेसफुल होने के बाद अमूल कॉर्पोरेशन हर साल आपको फॉरेन टूर डेस्टिनेशन में लेता है, और बढ़िया बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार होटल में आपको रखाता है, और किंग एंड क्वीन जैसे ट्रीट करता है। इस बिजनेस के जरिए हमने भी पूरा 7-8 कंट्री घुमा, अभी फिर टाइम आ गया, एक खत्म नहीं है, दूसरा जो पोस्टपोन था अबुधाबी जाने का टाइम आ गया, ठीक है। तो वर्ल्ड टूर आप कर सकते हैं, और सबका मन में होता है कि डोनेट करना, कुछ चैरिटी करना, ठीक है। और उसी के लिए भी आपको, अभी क्या होता है कि हमको 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया थोड़ा सा रुपया आप देते हैं चैरिटी में, लेकिन इस बिजनेस में आप रहेंगे तो आपका ज्यादा पैसा आएगा, तो ज्यादा चैरिटी कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, ऑर्फनेज बना सकते हैं, और स्कूल ऑर्फनेज में आप डोनेट कर सकते हैं। हमने देख रहे हैं बिजनेस में लोग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में डोनेट कर रहे हैं, हो सकता है, तो ऐसा उम्मीद हमें नहीं था पहले, ठीक है। तो ये सब चीज आपके जिंदगी में हो सकता है, हमको पहले इतना विश्वास नहीं था कि नहीं ऐसा एक जिंदगी होगा, हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ जॉब करेंगे, उसके कुछ पैसा मिलेगा, उस पैसा से एक कंप्रोमाइज लाइफ हम जिएंगे। और हर कोई लेडीज सोचता है कि नहीं ऐसा जिंदगी, बच्चे लोग हो जाएंगे, बच्चे लोग पढ़ लेंगे, वो नौकरी करेंगे, वो जाके कहीं दूर डेस्टिनेशन में रहेंगे और कभी कभी बीच में आएंगे, हाँ। लेकिन हम सब इकट्ठ रखे एक जिंदगी जी सकते हैं, और हमारा जितना सारा उम्मीद फुलफिल कर सकते, ये हमें उम्मीद नहीं था। लेकिन हमने यहाँ पर जितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं उसको देखा कि इनको मिल रहा है, इसीलिए इतना विश्वास नहीं था हमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इस एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे। इसको बोलते हैं टेंजिबल नीड्स, इनटेंजिबल नीड्स, जिसको हम पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। ये क्या है? गुड हेल्थ, गुड लाइफ। बाहर का दुनिया में जब हम ज्यादा पैसा कमाते हैं तो एक चीज हमारी जिंदगी में हम मिस कर जाते हैं, वो क्या है? हेल्थ। और जब रिटायर्ड का टाइम आ जाता है, बहुत सारे चीज हम जिंदगी में मिस कर जाते हैं। हर कोई जिसके भी रिटायरमेंट होने वाला आदमी के घर में जाओ, एक एक थलिया लेके बैठे, जैसे कि वो अचीवमेंट है। मैं एक घर में गई थी और अंकल को बोली, क्या अंकल आप इतना खा रहे हैं मेडिसिन? तो आंटी ने एक बड़ा सा थाली लेके आई, मेरा भी है देखो ना, उसका 3,000 हो से क्या है, मेरा तो 5,000 की है। बोले अरे वाह कितना बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन इतना हमको एजुकेट करता है हेल्थ के बारे में, तो हम हेल्थ को ज्यादा दिन तक अच्छा रख सकते हैं, और हेल्थ जितना अच्छा रहेगा हमारा लाइफ भी इतना अच्छा रहेगा, इसी का चीज हमको इधर मिलता है। और देखो ये सबसे बढ़िया चीज है लिगेसी, और इसका एग्जाम्पल तो हमारे साथ अभी है, रश्मिता जी को मिला है, हमारा ग्रेट मेंटर राखाल किशोर महंत एंड मिता महंत से लिगेसी के तरफ। जब हम जॉब करते हैं, 60 साल हमारा बीत जाता है जॉब करते करते दूसरे के लिए, एंड में क्या मिलता है? कुछ पेंशन मिलता है। लेकिन अभी जो जॉब का ट्रेंड है, अभी पेंशन भी तो नहीं मिलता है, तो फिर हमारा बच्चा मिडिल क्लास लोग, हम जो है हमारा बच्चा शुरू करता है, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब जॉब करो, ऐसा करो। कभी हमने मीटिंग हमने देखा कि मुकेश अंबानी का बेटा जाता है क्या फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए? हमने सोचा यार तो यू तो नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, उसके पास ऐसा कुछ है
अब सोचो आपके पास नहीं है इसीलिए आपका बच्चे जा रहे हैं दूसरे कंट्री में जॉब करने के लिए, सोचो थोड़ा। लेकिन ये बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है आपको एक लिगेसी क्रिएट करने का, जिसका लाइव एग्जांपल अभी हमारे हाथ में है। रश्मिता जी ने वो लिगेसी को आगे बढ़ा रही है, तो ये लिगेसी के लिए भी हमने ये बिजनेस को चुना। और रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, लेडीज लोग कितना काम करते हैं, क्या रिवार्ड्स रिकॉग्निशन नहीं होता है, लेकिन ये बिजनेस आपको रिवार्ड्स रिकॉग्निशन देता है, आपका नाम आता है। कभी कभी हमारे हस्बैंड लोग बहुत सारा काम करते हैं, उसको फूल तोड़ा मिलता है और रिकॉग्निशन मिलता है, कप मिलता है, और उसके वाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है उसके पीछे, है कि नहीं। कितना सैक्रिफाइस करते हैं, रात भर जगते जगते बच्चों का ख्याल करते करते, उसका पापा मम्मी का हेल्थ का ख्याल करते करते, घर का सब काम संभालते संभालते कितना ख्याल करता है, लेकिन क्या रिकॉग्निशन। और ज्यादा ही ज्यादा उसको पहला सीट, मैंने जो ऑडिटोरियम होगा, जो सेलेक्शन होगा, पहला एक सीट मिलेगा, चलो बैठ जा, नहीं तो एक लास्ट में एक फोटो खींच लो, हो गया। ये फील करने का बात है। लेकिन यहाँ पर आप जब सक्सेस हो जाएंगे, हर जगह में कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिखने में किसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको रिकॉग्नाइज करता जाता है। और राखाल भैया और मिता नानी अभी सिर्फ उसके परिवार में नहीं, सिर्फ उसके स्टेट में नहीं, सिर्फ उसके कंट्री में नहीं, एक ग्लोबल लीडर है, हर जगह में उसका नाम है। आड़ा मिचिगन शहर में उसका जो हेडक्वार्टर है वहीं पर उसका नाम लिखा हुआ है, और वो जब गए थे बोले कि हमारे नाम भी उधर लिखा हुआ है। सोचो कितना बड़ा बिजनेस है, वो रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन देता है, सेल्फ आइडेंटिटी देता है। मजा लगता है ना हर लेडीज को सेल्फ आइडेंटिटी मिलना, बढ़िया लगता है, हमें एक पहचान देता है। हर जगह में आपका नाम और आपका हस्बैंड का नाम, दोनों का नाम आता है। ज्यादातर लेडीज लोग इसको ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाता है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी मौका हमें देता है। और हम एक इसका लाइफ, हम इसको परसिस कर सकते हैं, चाहे इसका लाइफ को लीड कर सकते हैं। ये सब टैंजिबल इनटैंजिबल नीड्स है, इसको पैसे से हम खरीद नहीं कर सकते हैं। टाइम मनी का कॉम्बिनेशन होने से जाके हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने सारे नए लोग हैं उसको बोलूंगी, आपका क्या कोई मिसिंग है क्या आपका लाइफ में, इसमें से कुछ मिसिंग है, एक चीज के लिए काम करो और सब चीज आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज ढूंढना, एक ही कारण ढूंढना इसको करने का, राइट, और सब चीज फॉलो करते करते आ जाएगा। लेकिन ये सब चीज जब आएगा उसके लिए एक बड़ा सा फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट कियोसाकी ने बोले थे कि यू विल नेवर नो ट्रू फ्रीडम अंटिल यू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम जब तक नहीं मिलेगा, ये फ्रीडम भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। रॉबर्ट कियोसाकी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो बहुत सारी किताब लिखे हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये सब किताब लिखे हैं। हमने जब इस मीटिंग में आया तब जाके हमको पता चला ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। शायद आप सबको भी आज मालूम होगा कि हम लोग एक मीडियोकर लाइफ क्यों जिंदगी में जी रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, जब जो अमीर लोग वो एक अच्छा वाला जिंदगी जी रहे। इन्होंने क्या किया, हर किसी, हर जितने सारे लोग है जित दुनिया में, सबको चार क्वाड्रेंट में भाग कर दिया। इनकम को आप इधर एक दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में लिखा है ई एम्प्लॉय, उसका नीचे सेल्फ एम्प्लॉय, राइट साइड में बिजनेस ओनर्स, और नीचे है इन्वेस्टर। इसको थोड़ा समझ जाएंगे तो बिजनेस क्यों करेंगे उसको भी हमारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला होता है हम आम आदमी, हम लोग एक इनकम माने पढ़ाई करते हैं और एक जॉब ढूंढ लेते हैं, और जॉब के हिसाब से हम हमारा टाइम देते हैं, एबिलिटी और टाइम देते हैं, कुछ इनकम कर लेते हैं। वो होता है जितने सारे सीईओ होते हैं, मैनेजर होते हैं, हम लोग जैसे सब हम इसे इनकम ग्रुप पे थे। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा 16 घंटा टाइम दे सकते हैं, टाइम के ऊपर एक पाबंदी है, तो इसीलिए इनकम के ऊपर भी पाबंदी है, ज्यादा अनलिमिटेड इनकम हम नहीं कर सकते। दूसरा जो कैटेगरी है, इस सेल्फ एम्प्लॉय है,
जैसे कि बड़ा बड़ा प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो खुद का फार्म खुल के बैठे हैं, खुद का चैम्बर खुल के बैठे हैं, खुद का क्लिनिक खुल के बैठे हैं, लेकिन वो लोग क्या है, वो खुद उधर जाते हैं, काम करते हैं, जब नहीं जाते तब नहीं होता है, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते तो पैसा नहीं आता है, लायर कोर्ट में जाके दाखिल नहीं होता है तो पैसा नहीं आता है, वो खुद को एम्प्लॉय किए हैं, सेल्फ एम्प्लॉय उसको बोलते हैं। तो उनके पास भी ऐसा है, टाइम और एबिलिटी का पाबंदी है, इसलिए मनी का पाबंदी। लेकिन राइट साइड में जो होते हैं वो बिजनेस ओनर्स है, वो एक सिस्टम बनाए हैं जिसके हिसाब से वो सिस्टम रन करता है। मिनिमम बिजनेस कैटेगरी हम बोलते हैं, लेफ्ट साइड में सेल्फ एम्प्लॉय क्या, कुछ कोई दुकान खोल लिया, कोई शॉप खोल लिया तो बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस नहीं है, हम सेल्फ एम्प्लॉय है, दुकान खुलता है तो पैसा आता है। लेकिन इस कैटेगरी में मिनिमम आपके पास मोर देन 500 पीपल काम करते होंगे, आप नहीं रहते हुए भी वो काम चलता होगा और आप नहीं रहते हुए भी पैसा आता होगा, तब जाके बोलते हैं हम उसको बिजनेस ओनर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लूंगी, इधर हमारा किट कॉलेज का जो ओनर है अच्युत जी और ITR कॉलेज का मनोज जी, वो रहे नहीं रहे वो कॉलेज चलता रहेगा, उनका जेब में पैसा आता रहेगा, वो एक सिस्टम बनाए हैं, तब जाके हम कभी फ्री हो सकते हैं। और नीचे जो होता है इन्वेस्टर, हमारे बीच में शायद कोई नहीं है, वो क्या होता है, उसके पास मनी ब्रिंग्स मनी। हाँ, वो वॉरेन बफेट जैसे कि नाम लिखा है, वो पैसा पैसा को लाता है। बड़े बड़े जब स्टार्टअप कंपनी होता है तब ये बहुत पैसा लगाते हैं, वो स्टार्टअप कंपनी जब पैसा इनकम करने लगता है उनके पास से बहुत सारा पैसा आता है। तो राइट साइड के लोगों के पास होता है क्या, हमारा 95% प्रॉपर्टी, और लेफ्ट साइड में जो होता है उसके पास होता है 5% प्रॉपर्टी। सो हम इसका कंक्लूजन होता है कि 95% लोगों के पास 5% प्रॉपर्टी और 5% लोगों के पास 95% प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमको मौका देता है लेफ्ट साइड से राइट साइड को देना है। मेरे हस्बैंड पहले एम्प्लॉय थे, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय हुए और अभी हम राइट साइड में जा रहे हैं, राइट। और इधर सक्सेसफुल बहुत सारे लोग कभी कभी नीचे भी इन्वेस्टर साइड में जा रहे थे। तो एनी चांस टू जम्प फ्रॉम एक्टिव इनकम टू पैसिव इनकम है क्या? यस है। वो क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, तब अभी इसके बारे में समझेंगे। ये अपॉर्चुनिटी हमको देता है Amway Corporation, Amway अपॉर्चुनिटी गिविंग यू द चांस टू बिल्ड यू ए होम बेस्ड बिजनेस। सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि होम बेस्ड बिजनेस होने का एक मौका हमको देता है। सो बी ए पार्ट ऑफ Amway, राइट। इसको किसने बनाया था? इधर एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, रिस डिवो से जय भनांडल। उन्होंने आड़ा मिचिगन शहर में एक छोटा सा गैरेज से एक ही प्रोडक्ट से शुरू किए थे, लेकिन आज बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस हो चुका है। वो हमको देता है क्या मौका, घर में बैठ के एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टाइम में हम कर सकते हैं, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, राइट। और ज्यादा कुछ नहीं, पहला आपका व्हाई ढूंढ लिए, और कैसे करना है बाद में हम धीरे धीरे क्या करना है, ये सबसे बहुत बढ़िया लगा। ड्रीम को सुन के सब फुलफिल करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे, रिकॉग्निशन लेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, लीगेसी क्रिएट करेंगे, गुड हेल्थ मिलेगा, मम्मी के लिए पापा के लिए टाइम देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कैसे करेंगे? चेंज योर बाइंग हैबिट्स, एक ही चीज करना है, हमारा बाइंग हैबिट्स को चेंज करना है। कैसे करना है आप थोड़ा इसको देखिए, ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ज्यादा लोगों का समझ में नहीं आता है। हमारा समझ में क्या है, बहुत बड़ा बड़ा किताब, मोटा मोटा किताब, ज्यादा दिन तक पढ़ना, बहुत लंबा दिन तक काम करना, तब जाके हम पैसा कमाएंगे, तो फिर लिमिटेड इनकम। लेकिन ये सिस्टम है जो आपको आसान सा काम करके ज्यादा पैसा कमाने का मौका देता है, एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जिंदगी जीने का मौका देता है, इसीलिए हमारा समझ में नहीं आता है। आज इतने सारे नया लोग मैं सड़क बताऊंगी, इस थोड़ा कंसेप्ट को समझ लीजिए। इधर जो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पहले आप देखिए एक मैन्युफैक्चरर है, हम राइट में है कंज्यूमर है। तो हम जिस चीज को परचेज करते हैं हमारे घर में, पास वाला दुकान से जाके खरीद करते हैं, ठीक है कि नहीं, वो होता है रिटेलर, जो मिडिल मैन है, रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कैरिंग फॉरवर्डिंग होता है, वो सब जाके हम वही से
लेके आते हैं, लेकिन ये बीच वाले जो चीज है उधर एडवर्टाइजमेंट है, वो लोग शानदार जिंदगी जीते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, घर होता है, पैसा होता है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हम कंज्यूमर कस्टमर करते करते हमारा जिंदगी गुजर जाता है। देखिए ना कितना दुखी दुखी मुंह है हमारा, और बीच वाला का कितना हसमुख मुंह है, ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमको क्या बताता है, आप मैन्युफैक्चर से हमारे कंपनी नीचे जो लिखा हुआ है अमवे प्लांट इन इंडिया, वही है मैन्युफैक्चर, हमसे जुड़ जाओ और मिडिल मैन को काट के हम आपसे प्रोडक्ट यूज करो। जब हम ऐसे ही करते हैं हम प्रज्यूमर बनते हैं। ये कंज्यूमर क्या करता है, मनी स्पेंड करता है, लेकिन ये प्रज्यूमर क्या करता है, वही चीज करता है, लेकिन ये जो अमवे कॉर्पोरेशन हम लेंगे और पैसा कमाएंगे। ये कंज्यूमर अर्न्स मनी व्हाइल्स माने जिस जब अर्निंग करते हैं स्पेंडिंग करते हुए तब उसको बोलते हैं प्रज्यूमर। ये मौका है जो 60% मनी बीच वाले ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेके जाते थे, अमवे कॉर्पोरेशन ने बोल रहा है कि वही डिस्ट्रीब्यूशन आप करो, आपके मुंह से करो, आपके अनुभव से करो, मैं वही 60% मनी आपको ही दे दूंगा। आप तो हम तो वही करते थे, तो फिर उसको ही डिफरेंट तरीके से करना है, वही प्रोडक्ट यूज करना है, लेकिन पास वाले दुकान से नहीं, अमवे कॉर्पोरेशन जो मौका देते हैं वही से हमको लेके आना है। तो हमको बोले थे एक सक्सेसफुल आदमी शिवखेरा ने बोले थे, सक्सेसफुल पीपुल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो दूसरे तरीके से करते हैं। आज हमको सिर्फ वही करना है, तब जाके मिडिल मैन का जैसे हसमुख मुंह है, हमारे प्रज्यूमर हम जब बनेंगे हमारा भी ऐसे हसमुख मुंह बनेगा। और जैसे कि बीच वाले जो ऊपर में है वो जैसे कि लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, हम भी वही से ज्यादा बेहतर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच वाले जो होलसेलर है, कैरिंग फॉरवर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर, उसका रिस्क रहता है, टेंशन रहता है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इधर वो टेंशन नहीं है। अभी अमवे क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हमको देता है। आप ये 1959 से शुरू हुआ है और यही चीज को लेके, इसे ही प्रोडक्ट को लेके अभी मोर देन 100 कंट्री से बिजनेस करता है। इसका क्रेडिट रेटिंग 5A+ है, आप गूगल कर सकते हैं 5 क्रेडिट रेटिंग क्या है। और टर्नओवर बहुत हाई है और बहुत जो कमीशन देता है ना पूरा राइट टाइम में पहुंच जाता है। अभी गवर्नमेंट में होता है क्या कि इस चला बजट का टाइम 2-3 महीना रुक जाओ सैलरी नहीं देंगे, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। 100 रुपया तो टाइम पे पहुंचता था, 500 रुपया टाइम में पहुंचता था, 1000 रुपया टाइम में पहुंचता था, लाखों रुपया भी टाइम में पहुंचता है, तो बहुत बढ़िया है। उसके पास जो प्रोडक्ट है बहुत सारे पेटेंट मिला है, हाँ, और बहुत सारे पेटेंट पाइपलाइन में है। पेटेंट मिलना कितना मुश्किल है आप थोड़ा गूगल कर सकते हो। ये ग्लोबल है। और अभी 1998 में हमारे इंडिया में मे 5th से लॉन्च हुआ है। अभी हमारा तमिलनाडु में उसका खुद का प्लांट बना चुका है, 600 करोड़ लेके इन्वेस्ट कर रहा है और 1000 करोड़ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए वो प्लानिंग है, एक्सपांड करेगा। कहाँ जाएगा? कभी कोई बोलता है फैमिली कंपनी लेके चला जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? कहीं नहीं लेके जाएगा, इधर ही है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया को फॉलो करता है। बहुत सारे ऑफिस है, और अभी तो पैंडेमिक टाइम में जहां पर सब कुछ बंद हो गया, 17 दिन में अमवे कॉर्पोरेशन ने परमिशन लेके आया हमारा गुड माने प्रोडक्ट को हर जगह, हर कोने में, हर गांव में पहुंचाने के लिए, हर घर में प्रोडक्ट हमारा पहुंच गया डिजिटली। हम अभी बिजनेस करने लगे, कोई रिसेशन प्रूफ है, ठीक है, मोर देन 187 प्रोडक्ट है। अभी सबसे बड़ा चीज है इस अमवे बिजनेस में जितने सारे लोग कर रहे हैं उससे मोर देन 60% आर लेडीज, क्योंकि घर में बैठ के जो चीज कर रहे हैं अभी थोड़ा दुख से तरक के कर रहे हैं और काम बहुत बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हम इससे साथ जुड़ के बहुत आगे जा सकते हैं। क्या है प्रोडक्ट अभी जानेंगे। इसके साथ बहुत सारा कैटेगरी का प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट नहीं है। जो कैरिंग फॉरवर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना उसको पूछो, एक ही प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेने के लिए करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा ड्रीम है, हम इसके लिए सब जुड़ जाते हैं और इतने सारे क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने का मौका हमको मिल जाता है।
आपको दिखा होगा, इधर हमारा होम केयर है, पर्सनल केयर है, न्यूट्रिशन वेलनेस है, तो भी और सब प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी अभी। लेकिन सबसे बढ़िया चीज है इसके साथ 90 days 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। आप यूज करो, 90 डेज के अंदर आपको अच्छा नहीं लगा, थर्टी डेज के अंदर आपको 30% यूज करना है और अच्छा नहीं लगा तो आपको वापस कर देना है, आपका पैसा आपके जेब में वापस आ जाएगा। तो चटनी मेरी पटनी मेरी, तो क्या है दिक्कत। हाँ, अभी देखिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हमारा टो से लेके सिर तक जो चीज हम सुबह से लेके शाम तक हमारे ऊपर यूज करते हैं, हर प्रोडक्ट हमारे साथ अवेलेबल है और इतना क्वालिटी प्रोडक्ट, पहले हमको पता नहीं था, जो एडवर्टाइज में दिखा तब जाके दुकान से लेके आ गया, फिर यूज करने लगा, उसमें है क्या है, एक से या जॉय है, जेड है, क्या है हमको पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हर प्रोडक्ट का हमको ट्रेनिंग मिला, स्किन के लिए क्या अच्छा है, दांत के लिए क्या अच्छा है, हाथ के लिए क्या अच्छा है, सबके बारे में हमको जानकारी मिल गया। अरे नहीं नहीं, हमने चूज करने लगे, नहीं नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा शरीर के लिए यूज करेंगे, इधर उधर का प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे। जब हम दुकान में जाते हैं, होटल में जाते हैं कपड़ा खरीद करने के लिए, वहां पर क्वालिटी ढूंढते हैं और खुद के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया उसको लेके आएंगे, नहीं। तो यहाँ पर बहुत पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है और स्किन केयर, अरे वाह, ये तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सब लेडीज लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। हाँ, दो कैटेगरी का प्रोडक्ट है, एटीट्यूड है और आर्टिस्ट्री है, एक प्रीमियम ब्रांड का, एक सुपर प्रीमियम ब्रांड का। सुपर प्रीमियम का ब्रांड के बारे में हमको पता नहीं था, कभी सुने नहीं थे उसके ब्रांड का नाम, स्टैनलेड और लैंकोम, क्या बात है, ट्रेनिंग जब ली तब पता चला कि इसके साथ भी प्रोडक्ट कुछ है, नहीं तो हम। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अभी गांव गांव तक ये सुपर प्रीमियम ब्रांड घुस गया है, चलता है, और जितने सारे लोग इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं उसका एड आप देखो 55-60 होगा, लेकिन स्किन का एज टेस्ट करो 45 होगा, 40 होगा, मजा लगता है कि नहीं लेडीज लोग, बहुत एक्साइटिंग चीज है, लेके यूज करो, जिसने आपको बुलाया है उसको बोलो डेमो करने के लिए आपके ऊपर, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और सबसे बढ़िया चीज है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का प्रोडक्ट जो है, इसके बारे में भी हम कुछ भी पता नहीं था, ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है। लेकिन हेल्थ मतलब हम सोच रहे थे डॉक्टर, लेकिन और एक भी है, डॉक्टर के पास जब मरीज होते तब जाते हैं, लेकिन ये चीज है आप कैसे मरीज नहीं होंगे, ज्यादा दिन तक एक यंगनेस आप लेके जाएंगे, एक आपका चॉइस है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस बट हेल्दी एजिंग इज योर चॉइस। आप जब इस न्यूट्रिशन और वेलनेस प्रोडक्ट को अपनाएंगे तब आपका यंगनेस ज्यादा दिन तक चलेगा, आप ज्यादा दिन तक सुस्त रहेंगे, ज्यादा दिन तक पहाड़ियां चढ़ के मंदिर में जाएंगे, ज्यादा दिन तक आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, ज्यादा दिन तक आप जितने सारे खाने का चीज है दुनिया में सब कुछ खा के एंजॉय करेंगे। नहीं तो बीच में डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं आलू चाप मत खाओ, डोसा मत खाओ, हाँ और पिज्जा मत खाओ, लेकिन हम इधर सब खाते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस हमको दिया है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे सप्लीमेंट किया, कौन सा सप्लीमेंट किसके लिए है। और बढ़िया सा चीज है, नंबर वन सप्लीमेंट है, कंटिन्यूअसली 10-15 सालों से रीडर डाइजेस्ट का रीडिंग में वो नंबर वन होते आ रहा है। जिसने आपको बुलाया उसके बाद बेसो बोलो ये चीज क्या है, और पैंडेमिक टाइम में ये हमारा बहुत काम पे आया, जितने सारे लोग हमारे टीम में न्यूट्रिशन वेलनेस प्रोडक्ट यूज करते अच्छे से सही टाइम में सही काम किए, तो इसको ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। तो बढ़िया सा प्रोडक्ट है हमारे हाथ में, खुद को, हमारे परिवार को, हमारे देश को ज्यादा दिन तक अच्छा रखने का। और इधर तो बढ़िया सा है यंग लोगों के लिए, अभी और कोई कोई मोटा दिखना नहीं चाहता, पतला होने के लिए बड़ी की है, अभी यंग लोगों के लिए हमारे सबके लिए एनर्जी ड्रिंक है, अभी तो फोटो नहीं डाला है, प्रोटीन शेक है और आईटी से साथ हमारा आटा चुआ है जो फ्रूट ड्रिंक्स है, मजादार प्रोडक्ट है। बाहर में पैसा दे के गार्बेज अंदर को लेके आ रहे थे, लेकिन इधर पैसा दे के जो चीज हमारे लिए जरूरत ले है उसको हम खाते हैं, बड़े मजा लगता है। तो अभी है ड्यूरेबल्स कुकवेयर्स, इसके बारे में हमें भी कभी नहीं सुने थे, शायद इसमें नहीं होते, शायद आपको खबर मिलता या नहीं होता, नहीं तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हमको बताते। बिना तेल में खाना बनाना या थोड़ा सा तेल में खाना बनाना, ये हमारा बेटा का पैशन है, इसीलिए इधर आ गया है,
अभी वो भी मजा लेता है। काल गया था 2 केजी का चिकन को पूरा बिरयानी बनाया। मैं तो पूरा हैरान हो गई, क्या ये बेटा करता है। हाँ, लेकिन सबने उन्होंने पूछा कैसा लगा, सबका थाली खाली था। उन्होंने बोला, सबने बोला खाली थाली को देखो फिर बताओगे कैसा है। सबने खा लिए, बहुत मजेदार प्रोडक्ट है। जो चीज आपको हैरान देता है कि हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है, डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बोलता है तेल छोड़ो, तेल छोड़ो, नमक छोड़ो, मसाला छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, लेकिन यहाँ पर हम हेल्दी खाना और न्यूट्रिशियस खाना, विटामिन मिनरल्स के साथ खाना अब बना सकते हैं, राइट। और नीचे जो होता है एयर को प्यूरिफाई करता है, एटमोस्फियर मिनी एटमोस्फियर ड्राई, हमारा घर का एयर को पॉल्यूशन को क्लीन करता है, कार के अंदर को पॉल्यूशन को क्लीन करता है। हवा तो पूरा कितना अच्छा हवा हम लेके सुकून फील करते हैं गाड़ी के अंदर जब बैठ के जाते हैं। तो ये सब चीज हमें का स्लोगन है, इंस्पायरिंग पीपुल फॉर ए बेटर एंड हेल्दियर लाइफ, राइट। और हमने होम केयर के बारे में बोलना भूल गई, जितने सारे होम केयर प्रोडक्ट है एक लेडीज को काम को आसान करता है, आसान कर देता है पूरा। और जितने सारे होम केयर प्रोडक्ट है वो सब इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिक है, ये सबसे बढ़िया चीज है। उसको यूज करके हम हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बाय एक्सेप्टिंग द आर्मी प्रोडक्ट्स वी आर हेल्पिंग द सोसाइटी एंड हेल्पिंग द नेचर, वी आर हेल्पिंग पीपुल टू रिमेन इन गुड हेल्थ, राइट। कोई प्रोडक्ट हमको क्या देता है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देता है, 100% मनी बैक गारंटी देता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी दिखने से लगता है दाम, लेकिन जब ट्रेनिंग ले लेते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अरे वाह, एक कपड़ा को साफ करने के लिए 90 पैसा, लिखो उसके ऊपर 900 कितना लिखा हुआ है, लिखो क्या बात है। एक बटन लेके लीटर को लेके आते हैं, मैं 8 महीने 7 महीने यूज कर लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंटली फ्रेंड है। उसका पानी को जब पेड़ के नीचे देते थे ज्यादा फूल बनता है, ज्यादा फल बनता है, मजा आता है। चलो एक्स ब्रांड का जो क्लीनिंग एजेंट देख के डालो, मिट्टी में डालो, क्या होगा। सो ये प्रोडक्ट हमको एक वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को गेट हुए, इसी के थ्रू जितने सारे ड्रीम के बारे में बोली, ये सबको हासिल करने का एक ही मौका है, अपनाना इस वंडरफुल प्रोडक्ट को, अपनाना, राइट। लेकिन सब कुछ है, हम कर नहीं पाएंगे, लोगों को बोल नहीं पाएंगे, लोगों के साथ मिल नहीं पाएंगे, लोग ना करेंगे, क्या क्यों करेंगे, किससे करेंगे। एक सबसे बढ़िया चीज है, बाहर की दुनिया में एक बिजनेस जब आप बढ़ाओगे तब आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो हाथ खींच खींच के लेके जाने के लिए यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। हमको इधर हमारा मेंटर राखाल किशोर महांति ने इधर खींच खींच के लेके आए। अभी रश्मिता जी ने है, अमोय कॉर्पोरेशन है, ब्रीट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है, सब आपको विजन मिशन ड्रीम दिखाते हैं, अभी हमें आगे जा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको सिर्फ पाने का मन है कि नहीं बताओ, पाने का मन है तो ठीक है, चलो हम है इधर आपको आगे लेने जाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। हम जब आए तो तब डर लगता था, 135 रुपया आया, लेकिन राखल मैंने एक स्टोरी बोले, एक जंगल में एक आदमी जा रहा था और बाबा जी ने बोले चलो जंगल के बाहर इस चीज को लेके आओ तब जाके आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो उन्होंने बोला कैसे जाएंगे, तो साधु ने बोला धीरज रखो, एक टर्च ले लो, जितना दूर तक दिखेगा तब तक जाओ, फिर टर्च डालो, जितना दूर तक चले दिखेगा तब जाओ, ऐसे करते करते जंगल पार होते जाओगे। आप भी इधर जब आओगे घबराना नहीं, आपका मेंटर आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, हमें कॉर्पोरेशन आपके साथ है, चलो हमको 1,000-20,000 रुपया कमाना है, कैसे उसका माने राह दिखाओ, तब जाके फिर हम 50,000-60,000-1,00,000 रुपये कमाएंगे। तो बेस्ट पार्ट इज द मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटर जैसे बोलते रहेंगे आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तब जाके आप इधर पहुंच जाएंगे। ये विन विन कॉन्सेप्ट, मेंटर क्यों करता है, क्योंकि हम जीतते तो कॉर्पोरेशन भी जीता है, हमारा ये भी जीता है। कैसे हम जुड़ेंगे, बहुत सारा पैसा लगा होगा, नहीं हम जब जॉइन किए थे 4,400 रुपया लगा था, लेकिन इंडिया ने फ्री एंटरप्राइज सिस्टम, हम फ्री में ज्वाइन कराओ लोगों को, तो अभी हो गया ठीक है, चलो हम फ्री में ज्वाइन करा लेते हैं। सिर्फ पहले तो जेरस कॉपी देने के लिए 1-2 रुपया लगता था, अभी वो भी नहीं है, फोटो खींचो आपका आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ का भेजो, जिसने आपको बुलाया इधर उसके पास जुड़ जाओ,
और कस्टमर आप पहले कस्टमर भी बन सकते हो, चलो प्रोडक्ट को थोड़ा फील कर लेते हैं, हम ऐसे बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे, हम कस्टमर होके रहेंगे, हमारा जितना है अच्छा है, चलो ठीक है, नेम डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी एड्रेस मोबाइल नंबर दे दो। जैसे ही आप मॉल में देते हो, पेटलून में देते हो, सेंट्रल में, तो वैसे ही दे दो, कुछ बोलेंगे आप कस्टमर होके हमारे साथ रहे। कोई भी प्रोडक्ट यूज करते करते उसको अच्छा लगेगा, वो बोले कि जीजा जी आपका भी, आप भी इसको ले, आप भी यूज करो, बहन को भी बोले कि ले को यूज करो, मेरा घुटन का दर्द कम हो गया, तो आप बन गए एडीआर, चलो। और जब ऐसा करते करते थोड़ा पैसा आने लगता है, क्या होता है, मन थोड़ा नहीं ज्यादा पैसा कमाएंगे, चलो बन जाओ एडीएस, तो भी हम आपको कन्वर्ट कर देते हैं, आपका अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स लेके, पैन कार्ड लेके, हम आपको एडीएस में कन्वर्ट कर देते, तब जाके आप किसी को स्पॉन्सरिंग कर सकते। इसमें दिलचस्पी होने का नहीं, जब जुड़ जाओगे, जिसने आपको बुलाया है उसके साथ 2 से 5 साल तक जुड़े रहना है, क्योंकि ये क्विक मनी सिस्टम नहीं है, ये लॉटरी नहीं है, ये स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं, एक प्योरली बिजनेस है। यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन होता है, उसके वॉल्यूम के ऊपर हमको कमीशन मिलता है, तब जाके हम पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से होता है, इसीलिए हम फ्री हो सकते। कैसे है मैं बाद में आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताई, आप इधर आते हैं, जिसने आपको बुलाया है, जब आम लोगों के साथ आपको जुड़ा जुड़ा देगा, आप बन जाते हैं स्पॉन्सर, और जिसने आपको गाइड करता है वो शायद आपको गाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका थोड़ा दिन का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक बड़ा सक्सेसफुल टीम होता है, उसी में से आपको किसी को मिल जाएगा जो आपको गाइड करेगा, हर पहलू में आपको गाइड करेगा ऊपर जाने का, आपका ड्रीम फुलफिल करने का, उसको बोलते हैं मेंटर। हमारा मेंटर राखाल किशोर महादेव, मीता महादेव, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग दीजिए, जिन्होंने हमको गाइड कर किया और आगे भी गाइड कर रहे हैं, आगे भी डायमंड फाउंडर डायमंड टाउन तक जाने के लिए वो भी गाइड कर रहे हैं। तो हम अमोय कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ जाता है, जो पाबंदी था हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, एक जो कि ज्यादा इन्वेस्ट करना, अकाउंट मेंटेन करना, प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, डिलीवरी करना, रिसर्च डेवलपमेंट, जो पाबंदी है ट्रेडिशनल बिजनेस में, अमोय कॉर्पोरेशन ने बोला वो सब मेरे को दे दो, वो इसलिए हमारे लिए 600 करोड़ का फैक्ट्री बैठा के बना के बैठा है, हमारा अकाउंटिंग करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, हमको ट्रेनिंग देता है, सब कुछ रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ करता है, और दूसरे साइड में होता है BWW वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, जो बोलता है कि नेटवर्क कैसे बनाओगे, वहां को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स देता है, और सीडीज के अंदर अभी तो जूम लिया स्मार्ट टच हो गया, उसके अंदर हमको देता है सक्सेसफुल लोगों को सुनने के लिए और फंक्शन में डालने के लिए। जैसे हम आप बैठ रहे हैं, पहले हमको ऐसा मिलता था क्या, माने ऑफलाइन हम बैठते थे, लेकिन अभी जूम में कर रहे हैं, डिजिटली हो गया, तो इसीलिए हम बैठते थे, लेडीज लोग बहुत सुंदर करते हैं। इससे करते करते एक के बाद नहीं होता है, होता है नहीं होता है, ऑफलाइन के पास जाते हैं, चलो तुम कर सकते हो बोलते हैं, फिर हम काम में लग जाते हैं, हाँ, फिर किसको प्रोडक्ट करते हैं, एक आदमी आ गया, फिर दूसरे, फिर होता है नहीं होता है, फिर ऑफलाइन के पास जाते हैं, फिर ऑफलाइन बोलते हैं ग्रेट चलो हम कर सकते हैं मिलके, फिर हम चलते रखा लेना, ऐसे ही आपको ग्रेट 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 बोल के इधर पहुंचा दिया। तो एक हम ड्रीम टीम बनाएंगे, ड्रीम टीम जब बनाएंगे तब कैसा होता है, इधर क्या हमारा क्रीम ऑफ द प्लान इज हियर। पहले हम एक ही आदमी काम कर रहे थे 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा के लिए, लेकिन हम जब टीम बन जाता है, हर कोई अपना ड्रीम के लिए काम करता है, हाँ अपना ड्रीम के लिए काम करता है, और हम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सपोज मैं हूँ 2 घंटा काम पे लगाती हूँ, मेरे टीम में 20 आदमी है, तो 40 आवर्स मेरे लिए जनरेट होता है, इसीलिए मैं ज्यादा पैसा कमा रही हूँ। तो जैसे कि कीट कॉलेज का ओनर, उसके पास 1000 एम्प्लॉई है, जो 8 घंटा देते हैं वो 800 घंटे उसके लिए जनरेट हो, तो टाइम का पाबंदी जो था वो ब्रेक हो गया, इसीलिए मनी भी अनलिमिटेड हो गया। लेकिन इधर ज्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं है, इधर इन्वेस्टमेंट है आपका ड्रीम, उसको छोड़ने का नहीं, उसके पास रहने का। जैसे कि लिनियर इनकम होता है, टाइम जितना देते हैं इससे पैसा आता है, इधर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, नीचे जो आपको बुलाए उसके पास बैठे वो आपको समझा देगा लिनियर इनकम क्या है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आप 2 से 5 साल सही ढंग से काम करेंगे तो फ्री हो सकते हैं। ये आपको मैंने दिखाई 60% मनी जो अम्बे कॉर्पोरेशन ने बोला था, वो आपको ऐसे एक स्लैब में देगा, वो 3% 6% 9% 12% 21% तक आपको
कमीशन देता है आपके टर्नओवर के हिसाब से। जब हम 200 PV या अगर हम पीवी बोलते हैं पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, क्यों, ये ग्लोबल बिजनेस है तो जिसने आपको बुलाए उसके पास आप बैठना। तो पीवी क्या है, 200 PV होने से कितना वॉल्यूम, कितना 20,000 रुपया का होता है, उसके अमोई कॉर्पोरेशन कितना रुपया लेता है, गवर्नमेंट कितना टैक्स लेता है, हर प्रोडक्ट हम टैक्स देते हैं, इसलिए हम प्राउड फील करते हैं। तब जब 3% में हम पहुंचते हैं तब हमको 3,000 रुपया मिलता है। जब हम कस्टमर होके एडीआर होके भी ज्वाइन करते हैं तब भी आपको पैसा मिलता है। 3% आप नहीं पहुंचते हैं लेकिन अमोई कॉर्पोरेशन आपका वॉल्यूम के हिसाब से आपको सीएसआई और पैसा देता है। एक स्लैब है, इसको आप समझ सकते हैं, 6% 5,000 लगभग ये आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको जानना है। तब ऐसे करते करते स्टेप जो आदमी जैसे चढ़ता है, जब आप 21% में पहुंच जाते हो, आप सिल्वर प्रोड्यूसर बन जाते हो, आपके राइट स्ट्रक्चर होता है, तब इस अभी का टाइम में आप 80-90 हजार रुपया कमा सकते हो। सही ढंग से हम करेंगे तो हमसे दो मैंने 1-2 साल लोग तो बहुत जो पैशनेट है सो 1-2 साल में वो बना सकते हैं। और ऐसे ही 21% को जब 3 महीना हम 1 साल में करते हैं तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हैं। 6 महीना तक करते हैं तो 21% करते हैं हम प्लैटिनम बोलते हैं। तब अमोय कॉर्पोरेशन प्लैटिनम फोरम में बोलाता है, अमोय कॉर्पोरेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, सब बताता है और आगे कैसे जाओगे उसका भी प्लान देता है। और वो प्लैटिनम लेवल को हम 12 महीना तक, जैसे कि हर महीने आप 21% क्वालिफाई करते हो, आपको बोलते हैं फाउंडर प्लैटिनम। तब आपको जो मैं वर्ल्ड ट्रिप के बारे में बोल रही थी, तब वो आपको बुलाएगा, चलो आओ अंटलाया आ जाओ, दुबई आ जाओ, सिंगापुर आ जाओ और कभी बहुत सारे अच्छा डेस्टिनेशन को लेके आपको जाता है। तब आप भूल जाते हैं किसने ना किया, किसने हाँ किया, किसने आपको पक्ष में गाना गाया, कुछ भी हुआ आप भूल जाते हैं। और भी बड़ा बिजनेस हो सकता है, हायर रिवार्ड, क्योंकि मैं बोली थी ना ये विन विन बिजनेस है। जब आप 21% में पहुंच जाते हो तो नीचे वाला बोलता है सर हमको भी पहुंचाओ ना, हमको भी ये सब पाना है। तो दूसरे सिस्टम में क्या होता है, जब एचओडी बोलते हैं और कोई सोचता है कि मैं एचओडी बन जाऊं, वो दिमाग में चलता है कि कैसे इसका पीछा काटू, एचओडी ना बन पाए, लेकिन हमारा मेंटर बोलते हैं चलो चलो जल्दी जल्दी तुमको 21% में लेके जाएंगे। वैसे ही जब 3 लोगों को आप 21% में लेके जाते हो तब आप एमराल्ड बोलते हो। लाखों से ऊपर आपका फाउंडर एमराल्ड होने से आपको लगभग मोर देन 30 लाख से इनकम आता है। तो ऐसे ही जब हम 6 आदमी को हेल्प करते हैं विन विन सिचुएशन, वो 6 आदमी का घर में दिया जलता है, 6 आदमी खुश होते हैं, तब जाके आप डायमंड बुलाते हो। और फाउंडर डायमंड का इनकम होता है, एक अच्छा डायमंड का लगभग 1 करोड़ तक हो सकता है, राइट। लेकिन हमको घबराना नहीं, इसको देख के ये नहीं हो सकता सोचना नहीं, आपको 3% से शुरू करना है। ये बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों हैं जिसका मैंने फोटो रखी है, हमारा इधर एक सक्सेस प्रोफाइल मिलता है, जिसने आपको बुलाया उसको बोलो जरूर उस सक्सेस प्रोफाइल के अंदर आपको आपके तरफ एक आदमी को मिल जाएगा जो बोलेगा कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर हमारा मेंटर है राखाल किशोर महांती, मीता महांती, वो इंजीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो बिजनेस को करके बहुत ऊंचा तक लेके गए हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ज्ञान रंजन मनस्विनी, जो स्टूडेंट कैरियर से शुरू किए थे। नीचे है हमारा बस कंडक्टर, पढ़ा लिखा कम है लेकिन पैशन था, जुनून था, ड्रीम था, उन्होंने कर लिए। वो भी मलेशिया में घर है, इधर घर है, मर्सिडीज है, बहुत सारे कुछ है उनके पास। और साइड में जो सिंगल लेडी, वो भी कर सकते हैं, हम बोलते नहीं सिंगल लेडी नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। और ऊपर में है डॉक्टर मनोज जयश्री, उनके लिए जोरदार भी क्लैपिंग होना चाहिए, वो डॉक्टर होते हुए करते हैं। ऊपर में देखो किरीटन सरस्वती, वो भी इंजीनियर से, साइड में IITN से। और नीचे हमारा भवानी अनु, वो भी सिंपल BA है, वो भी गवर्नमेंट में जॉब करती थी। और सबसे बढ़िया चीज है नीचे जो है हमारा इंदुअन शांता, वो क्या है शांता जी, और इस बिजनेस को करके हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उससे एक फलक लेता है। बाबा ये हम तो बुरा क्या है, हमने क्या किया। वो बोल रही थी हमने कितना रोटी गोल 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 बनाए लेकिन कोई किसी ने हमको अच्छा रिवार्ड घर में तो नहीं दिया, लेकिन हमने यहाँ पर लोगों को गोल सेटिंग करने लगे और हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमको लेके वहां पर अवार्ड दिया कि एक बिग एंटरप्रेनर।
सो द बॉटम लाइन इज एनीबडी कैन बिल्ड द बिजनेस. तो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है, डू इट. यस यू कैन डू इट. कैसा है कि आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा. आपको ये जो सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ अटैच होना पड़ेगा और फेल टू सक्सेस, फेल होना पड़ेगा. दूसरा बिजनेस में फेल होने से आप और उठ नहीं पाते हो, लेकिन यहाँ पर ज्यादा फेल हो गए, इतना ऊपर उठेंगे. फेल होने के लिए तैयार होना है और चेंज योर बाइंग हैबिट्स, तब जाके आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे. आपका बड़ा ड्रीम होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए. और जिस स्मार्टफोन को लेके हम अमेजन प्राइम, फ्लिपकार्ट और क्या वगैरह वगैरह देखते हैं, उसको लेके अभी इस अमे कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ना है और स्मार्ट टच को अटैच करके सक्सेसफुल लोगों को सुनना है और बिजनेस बढ़ाना है, बढ़िया सा इंटरनेट रखना है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे. और ये सब करने से हमको क्या मिलता है, लेडीज लोगों को क्या मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है और जो किचन रूम से फ्रीडम मिलता है, हमारा बैड हेल्थ से हमको फ्रीडम मिलता है और अगली फेस से फ्रीडम मिलता है. तो फ्रीडम था ये वीडियो, मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगी और अभी हम इसको खत्म करेंगे. साउंड आ रहा है, मेरे को बोलना है. आप इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त 15th अगस्त जब सब मनाते हैं. अगस्त 15th अगस्त तो हम सबका इंडिपेंडेंस डे है. आपके अपने सपनों को आजादी किस दिन मिली? जिस दिन मैंने एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वूमन बनने का फैसला किया, लोगों की सलाहें बहुत थी. किसी ने कहा बोर हो रही हो तो कोई जॉब ही कर लो, बिजनेस में बहुत रिस्क है, इतने पैसे कहाँ से लाओगी, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब कर लेना. किसी ने पूछा बिजनेस के साथ घर परिवार संभाल पाओगी. सवाल बहुत थे, सपोर्ट कम. इन सब सवालों से उस दिन फाइनली आजाद हो गए. इसलिए 15 अगस्त हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन 22 अप्रैल मेरे सपनों का इंडिपेंडेंस डे 6 सितंबर को आता है, क्योंकि उस दिन मैंने अपना सेफ रूटीन कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर दिया एंड डिसाइड किया कि मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगी. सो आई बिकेम अ ट्रैवल ब्लॉगर और लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तुम लड़की हो और ये सेफ नहीं है और तू पागल हो गई है क्या. एंड आई वाज लाइक नहीं, आजाद हो गई हूँ. जिस दिन मेरे सपनों के साथ कुछ बच्चों के एजुकेशन का सपना जुड़ गया, ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती थी, मेरी खुशी दुगनी हुई जब मैं उनको पढ़ा पाई. इसलिए हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है 15th अगस्त, मेरे सपनों का 1st जुलाई. तो आप 15th अगस्त को हिंदुस्तान की बाकी लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं? हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त को मनाते हैं और बहुत गर्व से मनाते हैं, लेकिन तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंस डे कब है, जब तुम्हें आजादी मिली? एक लड़की को सपने देखने की आजादी, सपनों के पीछे दौड़ने की आजादी और सपनों के सच करने की आजादी. देश की आजादी का दिन हम सबका है, जिस पर हमें गर्व है. आपके सपनों की आजादी का दिन कौन सा है? So all the best. So शायद मैंने कोशिश किया, लेकिन इतने सालों का बिजनेस इतना कम में समझाना नामुमकिन है. जिसने आपको बुलाया है उसको थैंक्स कीजिए, उसके पास बैठिए, वो प्रोडक्ट यूज कीजिए और कैसे बढ़ना है. आपका शायद कोई ड्रीम है तो जरूर ये बिजनेस आपका पूरा कर सकता है. सो हमने जैसे आई विल वेलकम ऑल द लेडीज प्रेजेंट ओवर हियर, न्यू कमर्स टू कम एंड जॉइन अस. हम सब मिलके हमारा आजादी को पा सकते हैं. जैसे कि नवंबर 1st से मैंने छुट्टी लिया था और जनवरी 18th जो 17th में नवंबर में छुट्टी लिया, 18th जनवरी 9th को मेरा आजादी का दिन था और हमने बन गया फुल टाइम अमे बिजनेस ओनर.
सो अभी आपका बारी है, आप प्रोडक्ट यूज करने का डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस ओनर बनने का भी डिसीजन ले सकते हैं, और हम जैसे हमारे एक अच्छा पॉजिटिव एसोसिएशन के साथ जुड़ सकते हैं, आपका परिवार को भी सुधार सक जिंदगी सुधार सकते हैं, और हम आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे दोस्त का जिंदगी भी आप सुधार सकते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर और हमने बहुत फर्क था, जो लगता था जैसे पैरेलल लाइन है, लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, अभी एक एंटरप्रेन्योर बने, हमने में ही बने, हमारे साथ बहुत सारे लेडीज लोगों को भी बनने का मौका हमको मिला, ये सबसे बड़ा चीज है। जैसे कि रश्मिना ने टैगलाइन लिखा था, लेडीज लोग जब ठान लेते ना तब करके दिखाते हैं, तो हम इधर आए, हम भी सब मिल के करके ही दिखाएंगे। सो थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू रश्मिता, थैंक यू होस्ट, एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन, ऑल द लेडी एंटरप्रेनर्स प्रेजेंट ओवर हियर फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, होप इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, थैंक यू, बैक टू होस्ट। पहले तो मैम के लिए जबरदस्त क्लैप हो जाना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन था मैम, और लास्ट वाला तो मतलब ऐसे मेरा गूज़बम्प्स खड़े हो गए। और मैम एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये वीडियो थोड़ा ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। जरूर जरूर, ये मेरे को पता नहीं होता है, लेकिन मैं लिंक भेज दूंगी आप, क्योंकि लिंक से वीडियो ज्यादा बड़ा है इसलिए नहीं जाता है, तो लिंक से आप डाउनलोड खुद ही कर लेना, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर राखल भाई ने बोलते है ना, एक मीटिंग से आप क्या चुरा के लेके जाते हो, तो मैं ये मीटिंग से एक चीज चुरा के लेना चाहती हूँ, वो है मैम का स्माइल। सबने ऑब्जर्व किया होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैम का जो एक्सप्रेशन था, जो एक्साइटमेंट था, और वो स्माइल भी कंटिन्यू कर रहे थे, और वो इतने सिंपल, ये इतना बड़ा बिजनेस है, हम लोगों को डर लगता है, लेकिन मैम ने इतने सिंपल समझाया कि मतलब लगता ही नहीं कि अरे हो जाएगा, है क्या बिजनेस में, प्रोडक्ट ही तो है, घर में तो पेस्ट यूज करते हैं, उसको दूसरों को बोलना है, पैसा कमाना है। और मिनी के बारे में भी ऐसे बताया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मैम कार में बैठे हैं और पूरा एटमॉस्फेयर ड्राइव को फील कर रहे हैं, तो हर उनको देख के लगता है कि वो हर एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, जॉब करते थे, लेकिन अभी वो कितने खुश है, और ये बिजनेस उनके लाइफ में सच में कितना मतलब चेंज लेके आया है। एक चीज एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ फ्रेंड्स है जो लोग मतलब ये उनके हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन मुझे ना एक चीज खटकता है, जब लोग वो लोग बोलते नहीं मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये कर मत करो, वो मत करो, पर वो लोग ना इस चीज को बहुत मतलब बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं कि मेरे हस्बैंड ना बहुत केयरिंग है यार, वो मुझे कुछ ही करने नहीं देता, सिर्फ बोलता है कि तुम घर बैठ के रेस्ट करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम रेस्ट करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस एक चीज बताना चाहूंगी लेडीज, जैसे मैम का प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट था, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है एक बात बोलने के लिए, चाहे आपका हस्बैंड क्रोर्स में क्यों ना कमाता हो, अगर आपके आपके पास 5000 भी आ रहा है ना, तो वो बहुत एक प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने सारे मॉम्स है, मैं तो मॉम नहीं हूँ, जितने सारे मॉम्स है ना, आप लोग अपने बच्चे के लिए बहुत सारा सपना देखते हैं, उसको सर्दी जुकाम भी हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, बहुत सपना देखते हैं, तो सोचिए आपके मम्मी पापा ने भी आपके लिए कुछ सपना देखा होगा, कल अगर आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा तो कितना खराब लगेगा, तो अगर हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे तो उनको भी बहुत खराब लगेगा। और यहाँ पे जैसे मतलब मैं तो नवनीत का बहुत बड़ा फैन हूँ उसका कुकिंग का, तो मैम को देख के लगता है कि मैम ने कितना अच्छा संस्कार दिया है, वो एक लड़का है, वो कुकिंग को लेकर इतना पैशनेट है, और मतलब एक प्राउड फील होता है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं माँ बाप को बोलते हैं किया ही क्या आपने, आप मतलब पैदा करना ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जो मदर्स है उनके बच्चे ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसके मम्मी पापा उनको क्या देके जा रहे हैं, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना बढ़िया बिजनेस है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, मतलब मेरे लाइफ का बेस्ट प्रेजेंटेशन आज मैं देख रही हूँ। और एक बात बोलूंगी, थैंक यू सो मच रश्मिता कि आपने ऐसा शुरू किया, मैं हमेशा हस्बैंड से बोलती थी अरे स्टेज पर हमेशा हस्बैंड प्लान दिखाते हैं और वाइफ को प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं, यहाँ पे भी कुछ इक्वालिटी नहीं हो रहा है, क्यों हस्बैंड ही प्लान दिखाएंगे, वाइफ क्यों नहीं दिखा सकते। तो ये जो लेडीज ओनली ओपन मीटिंग हो रहा है वो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हम लोग प्लान दिखा रहे हैं, सो थैंक यू सो मच।
और हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पे कैसे रिकॉग्निशन होता है, तो हमारा शुरुआत होता है 3% से। अगर आपका 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है तो उनको 3% का इंसेंटिव आता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस में। तो यहाँ पे जितने भी 3% है उन सबके लिए जोरदार क्लैप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पिन होता है 6%। अगर हम लोगों का ग्रुप में 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है तो हम लोगों को 6% का इंसेंटिव आता है। तो यहाँ पे जितने भी 6% क्वालिफायर्स हैं तो उनके लिए जोरदार क्लैप हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है 9%। अगर आपके ग्रुप में 1.2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है और आपके अगर टीम है जो कि 3% क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा BFI, यहाँ पे उनको 15% एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये बहुत अच्छा पिन होता है, एमराल्ड लेवल का पहला स्टेप है ये। तो ऑल द 9% और BFI होल्डर्स, कांग्रेचुलेशंस एंड बिग क्लैप फॉर देम। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा 18%, सेम BFI होता है, यहाँ पे भी 15% एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 9% के बाद आता है 12%। तो यहाँ पे हम लोगों को वही BFI का स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पे हम लोगों को 2.4 लाख का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है। तो उन सबके लिए भी जोरदार क्लैप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है 15%, बहुत अच्छा पिन है, यहाँ पे BBI बोला जाता है। और यहाँ पे एक इंजीनियर का अगर स्टार्टिंग बहुत अच्छी कंपनी में स्टार्टिंग सैलरी हो 40,000, तो यहाँ पे एक BBI 40-50,000 का इनकम करती है या फिर करता है। तो फिर तो ऑल द BBI क्वालिफायर्स और 15% एक बिग क्लैप फॉर देम। हम लोग डिजिटल क्लैप भी दे सकते हैं इमोजी यूज करके। और प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने की। और नेक्स्ट होता है हमारा 18%। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का 7 लाख का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है तो हम लोगों को 18% मिलता है और उनको भी BBI बोला जाता है, उनको 35% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है। तो नेक्स्ट लेवल जो आता है, जो मैम ने बताया, वो है 21% और सिल्वर लेवल। यहाँ पे मतलब खेल यहीं से शुरू होता है, लीडरशिप यहीं पे शुरू होता है। लगभग 1 लाख के आसपास इनकम आ जाता है, 1 लाख। मतलब ये बिजनेस में आने से पहले मैं कभी सोची भी नहीं थी कि कभी 1 लाख भी इनकम हो सकता है। जॉब में तो बहुत मुश्किल है। तो ऑल द सिल्वर क्वालिफायर्स, सो बिग कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड ए बिग क्लैप फॉर ऑल द सिल्वर क्वालिफायर्स। सो नेक्स्ट हमारा जो आता है लीडरशिप, वो है प्लैटिनम। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे जितने भी प्लैटिनम है प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए सो दैट मैं आपको इन्वाइट कर सकूं। ऑल द प्लैटिनम प्लीज रेज योर हैंड्स, यू कैन रेज योर हैंड्स डिजिटली, आई विल इन्वाइट यू। ऑल द प्लैटिनम प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, शायद कोई नहीं है। तो नेक्स्ट पिन यहाँ पे जो मैम ने जैसे बताया, अगर हम लोग 6 मंथ्स अपना सिल्वर लेवल कंटिन्यू करते हैं तो उनको सिल्वर प्लैटिनम बोला जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे सर भुवनेश्वरी मैम है। अब भुवनेश्वरी मैम आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और वीडियो में आ जाइए। ओके, यहाँ पे ओके, फिर मेनोरिता कभी मैम प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए एंड वन लाइन मैसेज। माय नेम इज मेनोरिता कभी, हाउस एम बिजनेस स्टडी। आज भाभी के लिए जो बिजनेस प्लान दिखाया बहुत अच्छा लगा, क्लैप दीजिए, बहुत अच्छा अच्छा दिख रहे हैं भाभी, आओ दिखा रही है, बहुत अच्छा लगा। जो भी नॉलेज आ जाएगा मेरे को ऊपर, मैं उसको पे फॉलो करूंगी। बहुत थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारा जो हाईएस्ट पिन है वो है फाउंडर्स प्लैटिनम। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द फाउंडर्स प्लैटिनम प्लीज रेज योर हैंड्स so that I can invite you to the June stage. Sorupa Panda ma'am. Yes ma'am. Ma'am please khud ko unmute kijiye.
ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल मायसेल्फ स्वरूप हाउस वाइफ कम बिजनेस लेडी बिजनेस ऑनलाइन मैसेज है कि आज का जो प्रेजेंटेशन था रीना मैम का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और यूनिक था और इतना सिंपल था और मैसेज वो आज जिस पिन पे है या जिस इनकम में है वो इनकम करने के लिए वो थोड़ा सा कुछ सैक्रिफाइस किए हैं जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट किए हैं और अपना खुद का जो प्रोडक्ट खुद का जो मार्केट चेंज किए हैं तो वही करना है और वही करके हम लोग भी सक्सेस हुए हैं या आगे होने वाले हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वही करते हैं खुद को चेंज करते हैं और प्रोडक्ट चेंज करते हैं मार्केट तो इसलिए वही करना है तो हम लोग भी वही कर रहे हैं और फ्यूचर जो हमारा सिक्योरिटी के लिए और लिगेसी के लिए इसलिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं मिलके हस्बैंड वाइफ थैंक यू बैक टू होस्ट थैंक यू मैम नेक्स्ट है संध्या रानी मैम मैम प्लीज कम टू द जूम स्क्रीन यस मैम थैंक यू गुड इवनिंग एवरीबॉडी ऑल टू लेडी लीडर मायसेल्फ संध्या रानी वाइफ ऑफ पीएन दलाई आई एम सिंपल हाउसवाइफ कम बिजनेस लेडी टुडे होस्ट कर दे जबरदस्त क्लब दी दिए आज जो प्रेजेंटेशन था रीना मैम के लिए गोटे जबरदस्त क्लब दीजिए बहुत अच्छा तरीके से समझाए और मैसेज वही जे हमारा जो बिजनेस है बहुत सिंपल है और घर का खर्च से जो बिजनेस को बिल करा हूँ और लॉन्ग लाइफ एंजॉय करा हूँ थैंक यू थैंक यू मैम नेक्स्ट अर्पिता मैम अर्पिता मैम अर्पिता मैम प्लीज खुद को अनम्यूट और कीजिए और वीडियो में आइए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी मायसेल्फ अर्पिता बेस फ्रॉम भुवनेश्वर आज तो जो मैडम ने देखा है बहुत अच्छा लगा एक्चुअली हम लोग का एनवायरमेंट है जो बहुत नेगेटिव है पॉजिटिव एसोसिएशन में रहने से हम लोग को लगता है ये आई कैन डू मेरे जो मैडम का सिंपलनेस है और जो सिंपल वे से वो प्लान शो किए वो मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ये आई कैन डू इट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो मैडम को देख के ही पता चल जाता है तो हम लोग विद पैशन में सब कुछ घर का काम करके ही हम लोग ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं मैडम का जैसे हम लोग भी सक्सेस बन सकते हैं थैंक यू मैम एंड नेक्स्ट हेमलता मैम मैम प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए एंड वीडियो पे आइए यस मैम गुड इवनिंग टू एवरीवन माय नेम इज हेमा वाइफ ऑफ माय क्राउन हस्बैंड मिस्टर संतोष कुमार सेन वी बोथ बिल्डिंग दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली और आज रीना जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा और काफी सारा इन्फॉर्मेशन आज हमें मिला और इतना इन्फॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है देयर इज नो मैसेज बट मैं ये कहना डेफिनेटली चाहूंगी दिस इज द बिजनेस ऑफ कॉमन सेंस इतना कुछ मिलने जा जब हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली ये बिजनेस को ना करने के लिए देयर इज नो क्वेश्चन मैंने तो फर्स्ट प्लान से ही में हमने डिसीजन ले लिया कि बिजनेस को करना है और उसको खत्म करना है दैट पैशन के साथ आज तक हम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं थैंक यू मैम नेक्स्ट संघमित्रा साई मैम संघमित्रा मैम संघमित्रा मैम गुड इवनिंग फ्रेंड्स मायसेल्फ संघमित्रा वाइफ ऑफ मिस्टर पी के सेनापति आई एम सिंपल हाउसवाइफ कम बिजनेस वुमन टुडे स्पीकर रीनानी के लिए हार्टी ग्रेट क्लैप हार्टी क्लैप होना चाहिए
very nice, very simple, wonderful presentation. मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है उसके बोलने के लिए. पावरफुल लेडी का पावरफुल प्रेजेंटेशन, वेरी टची प्रेजेंटेशन था. और रश्मिता के लिए एक ग्रेट क्लैप होना चाहिए, उसका जो इतना बड़ा प्रयास है, वेरी इनोवेटिव आइडिया है. वो हम लोग को एम्पावरिंग करने के लिए एक लेडीज मीटिंग भी, लेडीज ओपन मीटिंग भी रखा है, इसलिए हार्टी क्लैप फॉर रश्मिता. भाउजो, मिता भाउजो को प्रणाम. यहाँ पे मैं प्रणाम करती हूँ भाभी को. और हमारा जो होस्ट है, टुडेज होस्ट, वेरी क्यूट स्वीट होस्ट के लिए एक ग्रेट हार्टी क्लैप होना चाहिए. तो इतना पावरफुल लेडीज के पास इतना पावरफुल मैसेज और प्रेजेंटेशन पाने के बाद, और मेरे पास क्या है बोलने के लिए, एक थोड़ा सा हम बोलूंगी कि मीना रानी ने जो बोला है, आप बाइंग हैबिट चेंज कीजिए और यूजिंग हैबिट को डेवलप कीजिए. वो जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट को अपनाइए. वेरी बिजनेस इज वेरी सिंपल, और वही प्रोडक्ट के पीछे हमारा सब कुछ, ड्रीम सब कुछ, वो जो कुछ दिखाया है वो सब फुलफिल होने वाला है. बाहर प्रोडक्ट कुछ दिन के लिए आप बंद कीजिए और यही प्रोडक्ट को विश्वास के साथ यूज कीजिए. यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी. और बहुत जल्दी आप भी स्क्रीन पर आएंगे और आपका प्रेजेंटेशन देंगे और हम लोग आपके लिए भी क्लैप करेंगे. तो प्रोडक्ट को अपनाइए. थैंक यू. बैक टू माय स्वीट क्यूट होस्ट. थैंक यू मैम. नेक्स्ट निवेदिता मैम. हेलो, गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग ऑल. यस मैम, ऑडिबल. यस मैम. आजिरो मीटिंग जस्ट रीना अपांगरो प्रेजेंटेशन जस्ट वाओ. गोटे वर्ड माने अपांगु अपा नमस्कार. मु अपांग संगे हमर पर्सनल भलो रिलेशन थाए. माने अपांग संगे मे प्राय मिसु तो एते स्नेह एते भल पाइबारे बांधे दियंती. आउ आज प्रेजेंटेशन गोटे नुआ लोक बहुत क्लैरीटी अच्छे प्रेजेंटेशन रे, बहुत बढ़िया. जी भी बसवे आजिका मीटिंग रे जदि जणे भी डिसीजन नेबे तेबे अपांगर जो एत परिश्रम करके सुंदर प्लान देखे सेडा सक्सेस हम. बहुत बढ़िया था जो अपांग प्लान पूरा एक्सलेंट 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 एक्सलेंट. आमर होस्ट स्वीट होस्ट कौशल्या गुड इवनिंग. हाँ बहुत बढ़िया होस्ट. गुड इवनिंग. बहुत बढ़िया होस्ट. मु देखे सब सोशल मीडिया रे बहुत बढ़िया एक्टिविटी. हाँ आमको भी से सब इम्प्रूव कर बहुत किसी हेल्प कर. थैंक यू फॉर आज होस्टिंग बोली. आम स्वीट रानी के बढ़िया अरेंजमेंट सब को लेकिन कर मैंने बहुत जल्दी समस्त टच हो पार एते बढ़िया एते सुंदर जो आम रोच लेडीज मीटिंग टा गोटे वन आवर ही टाइम देखिए बस बा तो बहुत किसी शिखिपर लाइफ पूरा चेंज हम ये अपॉर्चुनिटी थ्रो रे एते बढ़िया सिस्टम. लास्टली मोर कह भाईना भाजन को मोर प्रणाम. भाज नमस्कार. भाउजंकर ब्लेसिंग आम समस्त सांगे अच्छी. आम ताकि आगे बढ़िया. थैंक यू फॉर टुडे अपा रीना पाणिग्राही मैडम. अपा नमस्कार. थैंक यू सो मच मैम. नेक्स्ट आवर लवली रश्मिता मोहंती. समस्त को नमस्कार एंड हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. फर्स्ट तो रीना खुड़ी गोटे बहुत जबरदस्त साड़ी जाओ राइट. आज जो मैंने बसी थे आई एम श्योर गोटे गोटे डिसीजन नहीं जाए वाई दिस बिजनेस एंड कौन ए बिजनेस टा यूनिक राइट. वेरी वंडरफुली प्रेजेंटेड. आई एम श्योर आज जितने की जन स्क्रीन रे थिले 220 स्टार्टिंग रे एंड तक रहले 220. आई एम श्योर आज गोटे स्मॉल डिसीजन नहीं की जातु कौन बिजनेस टा करिवे. एंड मो एक्सपीरियंस रे कोची राइट छुआ माने स्पेशली चिल्ड्रेन आजिका दिन रे केते समय केते टाइम पेरेंट्स को सहित बितौचंती लाइफ टाइम रे हार्डली जो माने पेरेंट्स को ठो दूर रे रहउचंती बदे गोटे क्वार्टर रे तीन चार दिन पई घर को आसुथिबे राइट. वर्ष रे दि तीन थोर आसुथिबे समस्ते बिजी तांको लाइफ रे से दिल्ली रे रहंतु बॉम्बे रे रहंतु बाहर रे रहंतु एवरीवन इज सो बिजी विथ देयर लाइफ दे डोंट हैव टाइम फॉर पेरेंट्स दैट्स द ट्रुथ. छुआ माने आसिले भी आमको एठिकी बुलियार अच्छी सेठिकी जीवार अच्छी राइट. बट थैंक्स टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी राइट
आम फैमिली रो वी हैड अ कॉमन गोल गुट्टे जिनसे सीखी थी लो दिस बिजनेस इज नॉट इमीडिएट बट परमानेंट राइट इमीडिएटली किसी जिनसे हो बनी बट इट्स अ परमानेंट बिजनेस एंड थैंक्स कि कोड़े वर्ष पूर्वर मो पेरेन्ट्स गोटे डिसाइड करथिले बिजनेस बिल्ड करियार एंड मो पाई मो पेरेन्ट्स होछन रोल मॉडल माय मदर इज माय रोल मॉडल मु बाहर को खोजेनी कोठी रोल मॉडल मिलिवे घरे ही मोर रोल मॉडल राइट घर को संभालिबा बिजनेस टा को संभालिबा समस्त को नेके चालिबा रिलेशनशिप को नेके चालिबा राइट एंड शी इज नॉट अ सिंपल हाउसवाइफ जितना जी कहले सिंपल हाउसवाइफ नो हाउसवाइफ इज सिंपल आई थिंक गोटे पीएम टू भी अधिका बड़ काम होची टू बिकम टू बी अ होममेकर राइट घर को संभालती छुआ मान को संभालती निज पर को संभालती समस्त मन को लेकिन चलती एंड कोरोना टाइम रे जानी पारलु द पावर ऑफ अ हाउसवाइफ राइट सो आज टू डोंट कॉल योरसेल्फ अ सिंपल हाउसवाइफ यू आर अ पावर हाउस एंड मुझे कहे माय मदर इज माय रोल मॉडल एंड आज का दिन में जब मुझे घर अच्छी बिल्डिंग द बिजनेस फुल टाइम आउट ऑफ होम एंड स्टिल एंजॉय द लाइफ right enjoy the life and bujhi parchanti still the luxuries at hand emiti nuhe ki we are compromising on anything we are not right aji jodi mo ma aji you know she's talking tankara heart is strong achi after whatever happened last year thanks to this business thanks to relationship in this business it's a feeling business nuhe to khali paisa kameiba ye kariba thik ache that's a part of it but intangible benefit from this business is huge आपण जदि थरे बुझि दिबे ए बिजनेस कोन देई पारिबो कोन देई पारिबो एंड आपण को नबार अछि बिजनेस सबु किछि देई पारिबो से लव हो अफेक्शन हो राइट इट गिव अस द पावर टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन पापा गला परे डिप्रेशन रे पळै छन देई बिजनेस पावर देला टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन सो इट्स अ ह्यूज ब्यूटीफुल बिजनेस इट्स अ पीपल बिजनेस आई थिंक दिस इज अ यूनिक यूएसपी ऑफ दिस बिजनेस एंड जति जण वुमेन अछंती You can build this business with your children. Jimti aji amara speaker kahile na huge round of applause for Navneet Nanda, right? Based out of Hyderabad, thile working with Accenture, Kitra pass out, but building this business full time, decided to you know resign from the job, build this business full time. Bhubaneswar Rohi ki build korchanti business with the parents having a common goal, contributing to the society, contributing to state, contributing to the nation. So that's not a small thing. So thank you so much and good a huge round of applause for our dearest host right kete damdar hosting tankara nue pura chotiya pilanga pariya lage damdar hosting and also building the business I'm seeing her work hard day in and day out building the business very very passionately kona pai nijara dream pai nijara kichi self identity pai kuch kar dikhane ka hai thank you so much back to our dearest host thank you so much Annie it means a lot so next I would like to invite all the emeralds please raise your hands okay घंटा टे तो बहुत कथा कहि दिछि कहार केति कि समझ रे आसिला न आसिला किछि फरक पड़िबेनी जी आपन डाकि चंदी तांका संगे जोडी रहंतु सब बेले मु कहिबी स्पोंसर संगे जोड़ी रुहतु आप मेंटर जितने पाई मेंटर संगे जोड़ी रुहतु आर स्पोंसर पद्मनाभ महांत निवेदिता महांत जोरदार क्लापिंग दिखाई दे आर ऑल द वे हैदराबाद अच्छा दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग ऑलवेज शेयरिंग सेंडिंग दे आर गुड विशेस फॉर अस हाउ विल ग्रो फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर सो वी आर प्राउड ऑफ देम आवर मेंटर राखाल किशोर महांत एंड मिता महांत इंस्पिरेशन आपण माने समस्त हमर इंस्पिरेशन आमे जणे जणो को देखि कि इंस्पायर्ड हे थाउ आ बिजनेस तो जानिले इच्छा जदी अछि किछि जिंस मिसिंग अछि लाइफ रे बी विथ अस किछि भी मिसिंग अछि बी विथ अस एंड स्टे कनेक्टेड विथ द सिस्टम विथ द आमे कॉर्पोरेशन विथ द प्रोडक्ट ऑल द टाइम गोटे जिंस हमको एटी करिया पडिवो लेडीज मन कर हमर बहुत इच्छा थाए बर्थडे पार्टी जीवा को इच्छा थाए पिकनिक करिया को इच्छा थाए कार एनिवर्सरी मने मनेया को इच्छा थाए हां सब जिंस करिया को इच्छा थाए बहुत बढ़िया साड़ी किनिया को इच्छा थाए चूड़ी किनिया को इच्छा थाए घड़ी किनिया को सब इच्छा थाए किंतु व्हेन यू विल टेक अ डिसीजन टू बिल्ड अ बिजनेस जस्ट यू हैव टू पोस्टपोन सम थिंग्स किछि जिंस अपन को पोस्टपोन करिया पड़िवो फॉर अ टेंपरेरी पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन
ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଗେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବାକୁ କଥା। ଗୋଟେ ଥରରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋର ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଫଟୋ ଖିଚିକି ସେ ସିନେରୀରେ ପଠଉଥିଲେ। ମତେ ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, କାଶ ମୁଁ ବି ସେଠି ଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦୋ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ, ସେଠି ଘଣ୍ଟେ ଦି ଘଣ୍ଟା ଗପ ସପ କରିକି ଆସୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଭିନିଂରେ ଓପନ୍ ମିଟିଂ ହେଲା ମୁଁ ସେ ସବୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫର୍ ମି। କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଜୋନ୍ରୁ ଟିକେ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। କଲେଜରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ପିଲାର ଘରୁ ବାହାରିବା ନଟ୍ ସୋ ଇଜି, ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ଫର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବେ, କୁକ୍ ରଖି ଦେଇପାରିବେ, ଟିକେ ବେଶୀ ନାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ପେନ୍ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବେ, ଆଉ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ବିଜନେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଇଟ୍, ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଲେଡିଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓଭର୍ ହିୟର୍, ଆମେ କିଏ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। କିଏ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି, କେତେ ନ ପଢିଛନ୍ତି, ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ଯଦି କିଛି ବି ଲାଇଫରେ ମିସିଂ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲେଡିଜ୍ କହନ୍ତି କି ଯେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପୁଅ ହେଇଗଲା, ଘରେ କେହି କରିବାକୁ ନାହିଁ କାମ, ସରି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ବିଲ୍ଡସ୍ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ଆଉ ଇଏ ୱାଇଜେନ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, ବିକଜ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ରସିଂ ପୁସିଂ ଆଜିକା ଦିନର କ୍ରସ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ବାହାରିକି ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ସୋ ବିଜନେସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାଇ ସ୍ପନ୍ସର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାଇ ମେଣ୍ଟର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଟିମ୍ମେଟ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ରଶ୍ମିତା ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓଭର୍ ହିୟର୍। ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ବିଗ୍ ଲେଡି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ WRBT। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନେକ୍ସ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଯୋ ହେ ବୋ ହେ ଫାଉଣ୍ଡର ସେମିନାର। ସୋ अगर यहाँ पर कोई फाउंडर सेमिनार मैम है या तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए सो दैट वी कैन हियर फ्रॉम यू। ओके, सो नेक्स्ट हैव बीन फाउंडर सेमिनार एंड अबव, इफ एनीवन इज देयर। ओके, आई थिंक दे आर बिजी इन बिल्डिंग दिस बिजनेस। तो आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी जो मैम ने लास्ट में कहा कि पावर ऑफ वुमेन। रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो में देख रही थी इंस्टाग्राम पे, वहां पे एक मॉडल, ठीक है, तो वो क्या बोल रही है, मतलब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बोल रही है कि एक दिन उसको बैंगन का भरता बनाना था। तो उसने यूट्यूब सर्च किया, तो यूट्यूब सर्च करके एक आंटी जो कि जिनके 16 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, तो उनसे उनको बैंगन का भरता कैसे बनाना है वो उनसे सीखी। तो सिर्फ वो नहीं सीखी, उसके बाद वो कैप्सिकम का एक आइटम भी सीख गई, पालक का एक आइटम भी सीख गई। तो उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे देश में हम लोग रोते हैं कि मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मम्मी पापा पढ़ाए नहीं, लेकिन यहाँ पे आंटीज अपने किचन में बैठ के हम जैसे मॉडल्स को कुकिंग सिखा रहे हैं, और जिसका मतलब 16 लाख सब्सक्राइबर है उसका इनकम भी लाख्स में होगा। तो जैसे मैम ने बताया ना, अगर हमारे अंदर इच्छा हो ना तो हम कैसे भी अर्न कर सकते हैं, और हमारे लिए बिजनेस वही है। नवनीत अगर मतलब क्वीन का डेमो दिखा दिखा के अर्न कर रहा है, तो हम लोग तो भाई पैदाइशी है कुक्स, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। शैम्पू करते करते अर्न कर सकते हैं, ब्रश करते करते अर्न कर सकते हैं, कुकिंग करते करते अर्न कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, बस वही चीज। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल मीटिंग रहा, और इसी के साथ आज का मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट ऑल।